नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की एक बार फिर से बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी कर्मचारियों से जुड़ी हुई आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो JOIT को नया स्केल क्लर्क खफा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को 38,100 रुपये तो लिपिक को मिलेंगे 28,900 रुपये। हिमाचल के वित्त विभाग ने पिछले कल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। यह नियम पहली बार 2017 में बनाए गए थे, जिन्हें अब बदला गया है। राइडर की नोटिफिकेशन के साथ मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को क्लर्क के बराबर वेतन देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है। लेकिन इसके अनुसार 5 साल की नियमित सेवा के बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को लेवल 10 यानी 38,100 पर फिक्स किया जाएगा, जबकि क्लर्क को इस अवधि में लेवल 7 का वेतन 28,900 रुपये मिलेगा। यही वजह है कि क्लर्क इस विसंगति का विरोध कर रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे पहले भर्ती नियम 2017 में बने थे, जिन्हें अब नए वेतन आयोग के बाद संशोधित किया गया है। इन नियमों में LDR कोटा 20% रखा गया है, जिसकी तारीफ हो रही है। जैसे ही वित्त विभाग ने इस अधिसूचना को जारी किया, बिजली बोर्ड ने भी इसे अपना लिया है। वहीं वित्त विभाग की ओर से पिछले कल जारी की गई अधिसूचना में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT क्लास 3 के भर्ती नियम 2 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार JOIT का अनुबंध पर पहला वेतन 12,360 रुपये होगा। यह लेवल 4 के पे मैट्रिक्स का 60% है। इन पदों को भरने के लिए 70% रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती से होगी, 20% लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लास 4 रेगुलर कर्मचारियों में से की जाएगी और 10% प्रमोशन के जरिए पद भरे जाएंगे। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के JOIT कर्मचारियों को क्लर्क के बराबर वेतन देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अधिसूचना जारी हो गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।